इस क्वेश्चन में कहा गया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस इन्हीं क्वेश्चन को सर्च करते हैं उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को वन बाय वन इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूं और पता लगाता हूं कि जेड के किस वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो मैक्सिमम बन जाता है। जेड की जिस वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम बन जाता है, जेड की वो वाली वैल्यू यदि ए प्लस बी आई है तो हमने ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले पता लगाता हूँ कि वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस इन्हीं क्वेश्चन को सर्च करते हैं। पहले आपको ये तो पता ही होगा कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो equal to r represent a circle with apex of center z0 and radius r, that is this is a circle with apex of center z0 and radius r, aur yadi iske andar equal to ki jagah less than ka sign aa jaye in that case we will get all the points inside the circle, aur less than equal to aa jaye to all the points inside the circle and on the boundary will satisfy the given inequation, because this inequation can be written as mod of z minus 2 plus 2i is less than equal to 1. This inequation represent a disk with apex of center 2 plus 2i and radius 1. Disk इसलिए क्योंकि circle के अंदर वाले points भी इसको satisfy कर रहे होंगे। यदि यहाँ पे केवल equality होती, then it would represent a ring. लेकिन जब less than equal to है, this will represent a disk including the boundary also, क्योंकि equal to भी present है। That is clearly, ये हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि इस इनिक्वेशन को सेट करेंगे, क्योंकि इस डिस्क का सेंटर क्लियरली 2-2 है और रेडियस 1 है, इसलिए ए पॉइंट जो है वो 3-2 बन जाएगा और बी पॉइंट जो है वो 1-2 बन जाएगा क्योंकि रेडियस 1 है। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ 3i इंटू मॉड ऑफ जेड प्लस 3/6i, दैट इज 2/i, दैट इज 3 इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस 2i, बिकॉज ये तो आपको पता ही होगा कि 1/iota इज माइनस आयोटा, क्योंकि हमने पता लगाना है कि z की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा, मतलब हमने पता लगाना है कि z की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा, दैट इज z की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज z का 2i से डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियरली 2i इज हेयर। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो कॉम्प्लेक्स नंबर इससे मैक्सिमम डिस्टेंस भी होगा वो इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दैट इज इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है इस पॉइंट का नाम यदि मैं सी रखता हूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सी ए हो जाएगी, दैट इज दिस लेंथ, क्योंकि ये लेंथ ऑलरेडी 2 है, रेडियस 1 है, तो पूरा डिस्टेंस जो है ए सी 3 हो जाएगा, दैट इज इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी और ये मैक्सिमम होगी जब जेड यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचने का मतलब जेड की वैल्यू 3+2i हो जाएगी। एंड नाउ कंपेयरिंग 3+2i with a plus b i, I can say a is 3 and b is 2. Hence the value of a plus b is 3+2 equal to 5. Hence answer to this question is 5.